हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जालौर भारतीय किसान संघ के बैनर तले किसानों की विभिन्न मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरना मंगलवार को कलेक्ट्रेट के सामने शुरू हुआ। किसानों ने आक्रोश जताते हुए किसानी भाइयों को संबोधित भी किया। वर्ष 2017 में खरीफ फसल खराबी का बीमा कंपनी द्वारा किसानों के साथ भेदभाव किया गया है। ज्यादातर किसान बीमा क्लेम से वंचित रहे हैं। बीमा कंपनी द्वारा छल कपट करके किसानों के प्रीमियम राशि हड़प रही है और क्लेम की राशि नहीं दे रही है। बीमा कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई कर तुरंत राशि दी जाए। वर्ष 2018 खरीफ फसल बुआई के बाद अभी तक बारिश नहीं होने पर पूरी फसल सूख गई है, अतः पूरे जिले में अकाल घोषित कर दिया गया है। काफी मांगों को लेकर धरने पर बैठे किसान अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन भी कर रहे हैं। जालौर से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।